तो मेंटल मैथ क्लास 8 के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। आइए करना शुरू करते हैं और रीड कर लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। द स्केल ऑफ ए मैप इज 1:1, यहाँ पर 2 लाख गिवन है, ठीक है, रेशो है ये। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप? तो हमें बताना है 5 सेंटीमीटर में, जो मैप पर 5 सेंटीमीटर है तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि सेंटीमीटर गिवन है। तो आप इसको ना सेंटीमीटर कन्वर्ट मान लीजिए। मान लो 1 सेंटीमीटर में यहाँ पर ये 2 लाख सेंटीमीटर शो करता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 2 लाख सेंटीमीटर शो करता है, तो 5 सेंटीमीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करे शो करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आइए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2 लाख सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, यहाँ पर 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, ये मीटर हो गए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन हमें तो सेंटीमीटर गिवन है ना, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 होंगे, तो 1000 पे कितने होंगे, 1000 को 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब ये क्या है, ये देखो, ये 1 किलोमीटर, इधर ये सेंटीमीटर, तो दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन हमें इसको क्या कर देना है, किलोमीटर में चेंज कर लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये हमारे पास गिवन है 2 लाख सेंटीमीटर, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी कभी स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में चेंज करता हो तो डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करना है, यहाँ से, इससे करना है, जितने 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर होते हैं। तो 0 कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 के पीछे 5 0 लगा दीजिए, इस तरीके से 5 0 से 5 0 ये कट हो गई है, तो 2 किलोमीटर बन रहा है यहाँ पर उस, ठीक है ना, अभी क्या बन गया, 2 किलोमीटर बन गया। 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर जो शो कर रहा है वो 2 किलोमीटर को शो कर रहा है। आइए करना शुरू करते हैं। इसमें पूछा है 5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को शो करेगा। अब जिन बच्चों को तो ये मालूम हो गया तो फटाफट बता सकते हैं कि क्या करेगा, 10 किलोमीटर शो करेगा। तो यहाँ पर बच्चों ये मैंने टेबल बना ली है, और आप इस तरफ लिख सकते हैं बच्चों डिस्टेंस, और इधर ये सेंटीमीटर, और इधर डिस्टेंस किलोमीटर में, ठीक है। ये तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, कितने बन रहे हैं बच्चों उसके, 2 बन रहे हैं, ये अभी हमने किया ना, इधर ये 2 बन गए। और डिस्टेंस है कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो किलोमीटर शो करेंगे मान लीजिए एक्स होगा। अब देखो यहाँ पर, अब 1 सेंटीमीटर की जगह क्या आगे डिस्टेंस ज़्यादा आ रही है ना, तो मोर डिस्टेंस मोर किलोमीटर, यही तो होगा ना। तो ऐसे वेरिएशन को या ऐसे प्रोपोर्शन को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो रेशो ऑफ यहाँ पर जो सेंटीमीटर का रेशो उसको कर लेना है, और इक्वल रेशो ऑफ किलोमीटर का यहाँ पर इसको भी रेशो में कन्वर्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x और 5 2 10, तो 10 किलोमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, पहले रीड कर लेते हैं। 4 पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 1 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 8 पाइप्स आर यूज्ड? यदि उस टैंक में, अब तो अभी तो कितने 4 पाइप है, तो लेता है 1 आवर 20 मिनट्स, यानी मैं इधर इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 आवर 20 मिनट को इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 आवर में कितने होते हैं, 60, और प्लस 20, ठीक है, तो कितने हो गए, 80 मिनट हो गए बच्चों यहाँ पर ये, ठीक है, 80 मिनट में, यानी एक टैंक 80 मिनट में फिल किया जाता है अगर उस टैंक को 4 पाइप से कनेक्ट किया जाए। अब इसमें कहा है कि कितना टाइम लेगा यदि उसी टैंक को 8 पाइप से कनेक्ट किया जाए। अब यहाँ पर पाइप हो गई ज़्यादा, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अब यहाँ पर एक तरफ तो राशि जो है वो इंक्रीज हो गई, यानी पाइप जो है वो बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, तो टाइम क्या हो रहा है, घट गया। तो ऐसे वेरिएशन को बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, या इनवर्स वेरिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए इसको मैं टेबल बना लेता हूँ, यहाँ पर ये मैंने टेबल बना ली है,
और इधर, यहाँ तो यहाँ पर लिखते हैं पाइप, पाइप ठीक है, पाइप्स लिख लेते हैं, और इधर लिख लेते हैं टाइम, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर पाइप है 4, टाइम कितना लग रहा है 80 मिनट का, और पाइप है 8, तो टाइम लगेगा एक्स का। अब यहाँ पर देखो मोर पाइप, यानी मोर पाइप है तो मोर पाइप्स लेस टाइम, तो टाइम क्या हो रहा है लेस हो गया, तो ऐसे एक तरफ बढ़ गया एक तरफ माइनस हो गया, यानी इंक्रीज रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ऐसे जब वेरिएशन आता है तो उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करना है, एक रेशो को आपको इनवर्स में लिख देना है। अब जैसे पाइप वाला, पाइप वाले को तो सीधा लिखिए 4:8 इक्वल, यहाँ पर इसको इनवर्स कर देना है, यानी 80:x नहीं लिखेंगे, x:80 लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। करते हैं सोल्व, तो 8 x इक्वल यहाँ पर 80 x 4 आ जाएगा, ठीक है। वही कंडीशन, वही जो नियम होता है वो अप्लाई अप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, 80 x 4, और 8 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, तो यहाँ पर ये कर दिया मैंने डिवाइड 10 x 4, तो बच्चों ये आ गया 40। तो 40 मिनट आपका लगेगा बच्चों, ये आपका आंसर आया। मिनट क्यों, क्योंकि हमने पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो यहाँ पर, इफ 15 टेलर्स कैन स्टिच ए ड्रेस इन 24 डेज, ठीक है। 15 टेलर लगे हुए हैं ड्रेस को सिलने में, और वो टाइम लेते हैं 24 डेज का लेते हैं, हाउ लॉन्ग विल 9 टेलर, अब टेलर कम हो गए हैं बच्चों, तो टेक टू स्टिच द सेम ड्रेस, उसी ड्रेस को सिलने में कितना टाइम लगेगा, यानी कितने दिन लगेंगे। तो अब देखो यहाँ पर टेलर की संख्या कम हो गई है, तो इसका मतलब दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये भी क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। आइए टेबल बना के इसको कर लेते हैं, एक तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ टेलर, ठीक है। यहाँ पर टेलर लिख दीजिए खाली, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ ही गया टेलर, और एक तरफ लिख दीजिए डेज, ठीक है। अब टेलर है कितने 15, डेज कितने लग रहे हैं बच्चों 24, अब टेलर रह गए 9, तो डेज लग रहे हैं क्या एक्स। तो अब देखो लेस टेलर, लेस टेलर ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेस टेलर मोर डेज। तो एक तरफ जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो गया, दूसरी तरफ इंक्रीज हो गया, तो इस तरीके के प्रोपोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आपको टेलर का रेशियो लिख देना है, टेलर यानी 15:9 इक्वल, और डेज के रेशियो को आप रेसिप्रोकल कर दें। ये ऐसा नहीं है कि आप टेलर के रेशियो को नहीं कर सकते, जी हाँ, आपको सिर्फ एक का करना है, या तो टेलर का कीजिए या डेज का कीजिए, एक रेशियो को, यानी एक जो भी लिखा हुआ डेज के साथ डेज लिखिए, या तो आप इसको इनवर्स प्रोपोर्शन में लिख दे या टेलर वाले को लिख दे, ठीक है। आप टेलर का तो हमने डायरेक्ट में लिख दिया सीधा, यानी 15:9, इसको इन्वर्स में लिखेंगे x:24, करना वही है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म इक्वल और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, ठीक है। यहाँ पर ये देखो इस तरीके से, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं 24 x 15, और 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 x 5 8 5 जा 40, तो बच्चों यहाँ पर 40 डेज लगने वाले हैं, ठीक है। अगर 9 टेलर उसको करेंगे तो 40 डेज में वो कम्प्लीट होगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर ये भी मैंने पहले से लिख के रखा है, इसके लिए भी हमें क्या बना लेनी है, टेबल बना लेनी है। अब क्या कहता है, बस इज ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, यानी ये आवर का मतलब 1 आवर से है, और 1 आवर में 60 मिनट होती है, यानी 60 मिनट में 55 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है, ये याद रखना है। आगे क्या कहता है, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 12 मिनट, 12 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी। अब यहाँ पर बच्चों टाइम कम है तो डिस्टेंस भी तो कम कवर होगी ना, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी आप इसको बोल सकते हैं। वेरिएशन या प्रोपोर्शनल एक ही चीज़ है, पहले जो मैथ आते थे उसमें वेरिएशन लिखा होता था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस, और इस तरफ लिख लेते हैं टाइम, ठीक है। और ये देखो 1 आवर को 60 मिनट, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं,
ताकि फिर ये अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 55 किलोमीटर है, टाइम कितना लगता है 60 मिनट का, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना 12 मिनट। तो बच्चों कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर होगी, यानी लिटल टाइम या लेस टाइम भी आप बोल सकते हैं, लिटल टाइम लिटल डिस्टेंस या लेस डिस्टेंस लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया ये, तो 50:x = 60:12 बिल्कुल कर देना है, और मल्टीप्लीकेशन वही इंटरनल टर्म को 60:x = 55:12। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये देखो 60 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में हो गया। तो बच्चों 12 × 12 = 12 5 + 5 = 5 5 × 5 = 5 5 × 5 = 5। तो ये आ गया बच्चों 11। तो 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगी बच्चों 12 मिनट में। ठीक है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। अब इस लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, 20 विमन कैन वाइट वॉश ए बिल्डिंग इन 26 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन 52 विमन वाइट वॉश द सेम बिल्डिंग। सेम बिल्डिंग को 52 विमेन लगा दी जाए तो कितने दिन में फिनिश होगा ये वर्क। अब देखो विमेन हो गई ज़्यादा, पहले तो 20 थी, 20 होती थी तो 26 में होता था, लेकिन अब यहाँ पर 52 हो गई, तो अब टाइम क्या लगने वाला, कम टाइम लगने वाला है। एक काम को ज़्यादा लोग करने लगे तो कम टाइम लगता है, इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो टेबल हम बना लेते हैं, ये मैंने टेबल बना लेती हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ विमेन, ठीक है, यहाँ पर विमेन, और ये है 20, और इधर लिख लेते हैं डेज, डेज लग रहे हैं 26, यहाँ पर हो गई 52 और डेज हो गई मान लीजिए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई मोर विमन रेशो, यार मोर विमन रेशो भी मत लगाओ, लेस डेज, ऐसे इस खाली लिख दो लेस डेज। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पर जो वुमेन के हैं इनको आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिख दें इस तरीके से, और नंबर ऑफ जो डेज हैं उनको इन्वर्स कर दें, यानी एक्स रेशो 26 इस तरीके से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म 52 × x = 26 × 20 इस तरीके से। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 26 × 20 52 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे डिवाइड की फॉर्म में, तो 26 × 26 = 26 2 = 52 और 2 से 2 = 2 2 10 = 20 हो गया, तो x इक्वल यहाँ पर आ गया बच्चों 10। तो यानी 10 डेज लगने वाले हैं बच्चों, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये पार्ट कंप्लीट हो गया, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीख कर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।